स्पॉन्सर्ड बाय पीएसएस एकेडमी रीवा, पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस सिरमौर चौक रीवा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। रीवा जिले में गणतंत्र दिवस के ध्वजारोहण का मुख्य कार्यक्रम एसएफ ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए प्रशासन ने पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की है। इसी कड़ी में आपको बता दें, परेड के लिए रूट को डामरीकृत स्थायी व्यवस्था बनाई गई है। 26 जनवरी को विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ध्वजारोहण करेंगे और परेड की सलामी के साथ मुख्यमंत्री के संदेश का जिले की जनता को संदेश देंगे। होने वाले आयोजन के संबंध में रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प ने निरीक्षण किया और बताया कि बड़े हर्ष और उत्साह के साथ ये 74वां गणतंत्र दिवस जिले में मनाया जाएगा। कोरोना के बाद ये पहला गणतंत्र दिवस का भव्य आयोजन होने जा रहा है, जिसमें पूरे मैदान को एक अलग रूप से तैयार किया गया है। आइए आपको सुनाते हैं कलेक्टर ने इस पर क्या कुछ कहा है। गणतंत्र दिवस का समारोह पूरे गरिमा के साथ और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जैसा आपने कहा है, सही है, कोरोना के कारण हम लोग फुल फ्लेज्ड समारोह कई बार नहीं मना पाए हैं, लेकिन इस बार काफ़ी उत्साह है और मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है। बच्चों में, बड़ों में, सभी में उत्साह है और हम लोगों ने इसलिए विशेष व्यवस्थाएं भी की है ताकि जो लोग यहाँ पे कार्यक्रम देखने के लिए आ रहे हैं, पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, परेड कर रहे हैं, उन सबको बेहतर फील हो और सभी के साथ मिलकर पूरे ज़िले में गणतंत्र दिवस का समारोह बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जा रहा है और सभी जगह उसकी अच्छी तैयारियाँ हो रही हैं। व्यवस्था की जा रही है, सुरक्षित ये परमानेंट व्यवस्था हो जाएगी इससे, क्योंकि 26 जनवरी में तो कम, लेकिन कई बार 15 अगस्त के कार्यक्रम में बारिश अगर हो जाती थी तो तकलीफ हुआ करती थी। उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा हो जाए। पीछे एक वॉशरूम भी इसीलिए बनाया जा रहा है और इस पूरे परिसर को खूबसूरत और भव्य करने की पिछले 3-4 महीनों से लगातार कोशिश हो रही है। आप देख रहे होंगे कि पूरे इलाके को खूबसूरत किया गया है, तो कोशिश ये है कि परमानेंट व्यवस्था भी अच्छी हो और कार्यक्रम गरिमापूर्ण और हर्षोल्लास के साथ बिना किसी असुविधा के संपन्न हो सके। स्पॉन्सर्ड बाय पीएसएस एकेडमी रीवा, पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस सिरमौर चौक रीवा।